आप सभी को आमला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं आमला नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। आमला नवमी का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन आमले की पूजा करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आमला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह को हम गेरू से, हल्दी से या फिर गाय के गोबर से लीप लेंगे और इस पर हम एक चौक मार लेंगे। चौक में आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या फिर आप स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। स्वास्तिक को भगवान गणेश का ही प्रतीक माना जाता है, तो आपको पूजा में अलग से भगवान गणेश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वास्तिक पर ही भगवान गणेश का ध्यान करते हुए पूजा कर सकते हैं। आमला नवमी की पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं या फिर किसी मंदिर में या किसी बाग बगीचे में भी जा करके आप आमला नवमी की पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास आमले का पौधा ना हो तो आप आमले की टहनी को किसी गमले या फिर किसी पानी वाले कलश में लगाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। अब हम अक्षत का या फिर फूलों का आसन देते हुए दीपक को चौक पर विराजित कर देंगे और भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। आमले के पेड़ में भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है, इसलिए आप आमले के पेड़ में विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम आमले के पेड़ को शुद्ध जल से या फिर गंगा जल से सींच देंगे। आप चाहे तो कच्चे दूध से भी आमले के पेड़ को यहाँ पर सींच सकते हैं। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को हल्दी अति प्रिय होती है, तो हम जिस भी गमले में आमले का पेड़ लगाते हैं तो उस गमले का हम पहले श्रृंगार करते हैं हल्दी से और कुमकुम से। आमला नवमी की पूजा में 9 अंक का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए आपको आमले के पेड़ पर 9 टिक्की हल्दी से और 9 टिक्की कुमकुम से लगानी होती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया दान पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता है, यानी इस दिन आप जो भी दान करेंगे उसका आपको अच्छे गुना फल प्राप्त होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत प्रिय होता है, तो हम वस्त्र के रूप में भगवान विष्णु को कोई भी पीला वस्त्र अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो ब्लाउज का पीस, अंगोछा, पीला रूमाल कुछ भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान विष्णु को खील बतासे का भोग लगाएंगे, साथ ही हम दीपक का भी पूजन कर देंगे, क्योंकि दीपक के रूप में अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी माने जाते हैं। इस दिन आमले को भगवान को अर्पित करने का, आमले को खाने का और आमले को पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। अब हम एक पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे और लाल पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित कर देंगे। आमले की पूजा करते हुए आप विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। अब हम भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को वस्त्रों की मौली अर्पित करेंगे। साथ ही हम कच्चे सूत से 108 तार की एक माला बनाएंगे, जिसमें हम थोड़ी सी हल्दी लगा करके भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे। अब आपने जो भी भोग के लिए मिठाई ली है या अपने घर में जो भी पकवान बनाए हैं, आप उन सभी पकवान को भगवान विष्णु को भोग के रूप में अर्पित करें। उसके बाद हम एक 365 वाती का दीपक का दीपदान आमले के पेड़ के नीचे करेंगे। ये दीपदान या तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए या फिर आपको शाम के समय करना चाहिए। मैं 365 पाती के दिए का दीपदान शाम के समय करती हूँ, तो मैं ये दीपदान शाम के समय करूंगी। अब हम हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर के आमला नवमी की कथा सुनाएंगे। यदि आपको किसी कारणवश इस दिन आमले ना मिल पाए तो आप आटे के आमले बनाकर भी इस दिन भगवान को आमले स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। अब हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित कर देंगे। ये दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। आमले के पेड़ के नीचे कहानी सुनने का और कहानी कहने का भी विशेष महत्व माना गया है। अब हमने जो हाथ में अक्षत और पुष्प लिए हैं वो हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस दिन आमले के पेड़ की कम से कम 7, 11, 21, 51 या फिर 108 फेरी लगाई जाती है। आमले के पेड़ की फेरी आप किसी भी चीज से लगा सकते हैं। मैं ये फेरी आमले से लगा रही हूँ। आप ये फेरी बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, महावर या फिर बिस्किट, टॉफी, किसी भी मेवा से, किसी भी फल से, यानी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये फेरी लगा सकते हैं। आमला नवमी के दिन आप हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना अधिक दान कर सकें उतना दान करें, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि आमला नवमी के दिन किया हुआ दान कभी भी क्षय नहीं होता है। यानी इस जन्म में तो आपको आपके दान का पुण्य मिलेगा ही, साथ ही
अगले आने वाले कई जन्मों तक आपको उस दान का पुण्य मिलता रहेगा। आमला नवमी की पूजा स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी कर सकते हैं, चाहे वो क्वारी लड़की हो क्वारा लड़का हो। इस दिन आमला नवमी की पूजा सभी को करनी चाहिए। फेरी लगाने के बाद हम भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और अब हम आरती करेंगे। मैं ये आरती कपूर से कर रही हूँ, आप ये आरती घी के दीपक से भी कर सकते हैं। आरती के लिए आपको हमेशा अलग से ही दीपक बनाना चाहिए। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। पहले हम आरती भगवान को देंगे, उसके बाद हम आरती स्वयं लेंगे और उसके बाद हम आरती का शीतलीकरण कर देंगे और हम फिर से भगवान का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमसे पूजा में जो भी अपराध हुआ हो, यदि कोई गलती हुई हो तो आप उसे क्षमा करें। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। शाम के समय आपको आमले के पेड़ के नीचे 365 पाती के दीपक का दीपदान करना है। साथ ही इस दिन आपको आमले का दीपदान भी करना चाहिए, क्योंकि इस दिन आमले का दीपदान करने से आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बनी रहती है। इस दिन आपको आमले के पेड़ के नीचे भोजन भी अवश्य करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आमला नवमी की मेरी ये सरल सी पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता लक्ष्मी।